हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज आ गई हूँ मैं मायके से 3-4 दिन रहने के बाद में। तो मैं आई थी दोपहर के समय, तो उसके बाद मैं थोड़ा बहुत मुदित के साथ मैंने एंजॉय किया। उसके बाद मैं दादी के पास बैठी रही थी, तो वहाँ से आने के बाद मैंने अपने रूम का झाड़ू वाड़ू लगाया और उसके बाद चद्दर वद्दर चेंज करके, और अभी मैं शाम के खाने की तैयारियाँ कर रही हूँ क्योंकि गाँव में जल्दी खाना हो जाता है। तो अभी 5:30 या 5 बज रहा है समथिंग, मुझे सही से टाइम नहीं मालूम क्योंकि मेरे रूम में घड़ी नहीं लगी हुई है इसलिए। तो अभी मैं बना रही हूँ आज पनीर की सब्जी, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें कट कर रही हूँ, टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक और प्याज वगैरह। क्योंकि किचन में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है, इस वजह से मैंने सोचा कि कूलर के सामने बैठ के ही मैं कट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं उसको मिक्सर में पीस लूँगी अच्छे से। और मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं लाइट ना चली जाए क्योंकि गांव में लाइट इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है ना, हद से ज़्यादा। तो मैं सोच रही हूँ पहले पेस्ट बना लेती हूँ टमाटर और प्याज और हरी मिर्ची वगैरह का, क्योंकि लाइट कभी भी चली जाएगी तो मेरी सब्जी भी अधूरी रह जाएगी, फिर मुझे सिलबट्टे पर बनानी पड़ेगी इसलिए, और सिलबट्टे पर काफ़ी टाइम लगता है। तो खाने वाली तो सिलबट्टे पे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है इस वजह से। तो बस अभी मैं आ गई हूँ किचन में और आप लोग देख सकते हो मैं बना रही हूँ यहाँ पे पेस्ट। और उसके बाद मम्मी बैठी हुई है चौक में और मुदित चला गया है अपने बाबा के पास बाहर, पापा जी के साथ खेल रहा है। घर में तो बिल्कुल टिकता ही नहीं है, जब तक हम उसके पास बैठे रहेंगे तब तक टिकता है, उसके बाद वो टिकता ही नहीं है। तो वो चला गया है और हमारे इसका डिकिन्ना टूट गया है, इसलिए मैं उसको प्लेट उस पर प्लेट लगा के ग्राइंडर पर प्लेट लगा के और मैंने उसको पीस लिया है। तो पहले मुझे डर लग रहा था लेकिन मम्मी हमारी सासू माँ ऐसे ही पीसती हैं तो इस वजह से फिर मुझे डर नहीं लगा, बाद में मैंने उसको ज़ोर से पकड़ लिया था। और ये वाली साड़ी मैंने वेयर कर ली है, ये ऊपर ही रखी थी, तो ये वाली साड़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि एकदम हल्की साड़ी है और गर्मियों में ना बहुत आराम मिलता है इस साड़ी में। तो इस साड़ी का ब्लाउज मुझे मिल नहीं रहा था इसलिए मैंने ये दूसरा वाला ब्लाउज पहन लिया है, बट कोई नहीं चलता है। और वैसे भी मुझे अलग अलग ब्लाउज पहनना काफ़ी पसंद है, मैं साड़ी के साथ वाले ब्लाउज बहुत कम पहनती हूँ, जो एक्स्ट्रा होते हैं ना ब्लाउज उनको जो मैच कर जाते हैं उनको मैं ज़्यादा पहनती हूँ। तो प्याज बस एक ही थी तो मुझे लगा कि सब्जी सब लोगों के लिए बनानी है, थोड़ी ज़्यादा बनानी है सब्जी इसलिए वो कम पड़ जाएगी। तो बस मैंने अभी भेजा है पापा जी को, मतलब मैंने अनिल से बोला था कि पापा जी से बोल दो या आप लेके आ जाओ, तो अनिल बोल रहे थे कि मुझे तो टाइम नहीं है, मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ। तो वो लेके आए हैं प्याज, क्योंकि हम आए थे ना जोरा से मम्मी के यहाँ से, तो वहाँ सब्जी में प्याज नहीं लेके आए थे क्योंकि हमने सोचा घर पे प्याज और आलू तो रहते ही हैं तो रखे होंगे इस वजह से। तो पापा जी भी लेके आ गए हैं प्याज और मैंने उसको भी पीस लिया है, उसका भी पेस्ट बना लिया है। और अभी मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और सबसे पहले मैं यहाँ पनीर की सब्जी बना रही हूँ। और हमारे यहाँ ना थोड़ी गाढ़ी सब्जी नहीं बनती है पनीर की, यहाँ दिल्ली में हम बनाते हैं गाढ़ी और मतलब एकदम थिक, और गाँव में ना पतली खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा पतली नहीं लेकिन पतली ही खाते हैं। तो इस वजह से तो अभी मैं पनीर सेक लूंगी, पहले घी में तल लूंगी पनीर को और उसके बाद दूसरे चूल्हे पे मैंने चढ़ा के रख दिया है पानी और उसमें डाल दूंगी मैं सफल मटर। सफल मटर ही बोलते हैं शायद हम लोग, आप लोगों का मुझे पता नहीं, जो वाली मटर होती है ना जो इनको हम स्टोर करके रखते हैं, ताजी वाली मटर नहीं, जो हरी मटर होती है ना, एक तो ताज़ी होती हैं तो वो तो खाने में टेस्टी भी लगती हैं, और जो सफल मटर होती है ना जिनको हम फ्रीजर में स्टोर करके रखते हैं तो वो वाली, तो पता नहीं क्यों मुझे हमेशा से बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें जब ताज़ी नहीं मिलती हरी तो हमें लेके आनी पड़ती हैं। तो मैं उसको हमेशा से पानी में गर्म करके फिर उस पानी को निकाल लेती हूँ, ऐसे ही उसके बाद ही मैं सब्जी में यूज करती हूँ। और ये है पनीर और यहाँ पे मैं घी में तल रही हूँ पनीर, और ज़्यादा नहीं तलूंगी, हल्की हल्की ही तलूंगी। उसके बाद मैंने यहाँ दूसरी कढ़ाई में चढ़ा दिया है अपना ऑयल सरसों का, और मैंने थोड़ा सा ही ऑयल लिया है क्योंकि जिस घी में मैंने तली थी ना पनीर तो उसको भी मैं छान लूँगी छलनी से और इसी में डाल दूँगी, क्योंकि घी जल्दी निकल आता है और तेल काफ़ी समय बाद निकलता है, तो पहले तेल निकल के आ जाएगा उसके बाद मैं उसको घी उसमें घी मिक्स करूँगी। और यहाँ पे मैं हींग बांट रही हूँ क्योंकि हींग थोड़ी खड़ी सी रहती है ना, तो उधर रखा था खल्लर मेरा, तो मैं उसको
कलर से नहीं पीस रही, वैसे भी कलर में बनाते मतलब पीसते हैं ना हींग वगैरह, तो क्या होता है ना उसी में चिपक जाती है, तो इसलिए मैं ना उसको प्लेटफॉर्म पर रख के और जो बेलन होता है ना उससे पीसती हूँ हमेशा। और सब्जी कोई भी हो जब तक हम उसे अच्छे से नहीं तलते हैं तब तक उसमें कोई भी टेस्ट नहीं आता है, फिर तो ऐसा लगता है जैसे कि हम उबाल के खा रहे हैं। तो मैं हमेशा सब्जी कभी भी बनाती हूँ तो उसको बहुत अच्छे से उसके मसाले को भूनती हूँ, उसके बाद सब्जी बनती है मेरी, लेकिन टाइम जरूर लगता है। तो बस मैं बड़ी कढ़ाई में बना रही हूँ, पहले मैं मम्मी बोल रही थी छोटी में बन जाएगी, मैंने बोला नहीं छोटी में नहीं बन पाएगी, फिर क्या है कि वो न तो मसाला अच्छे से बन पाता है और उसके बाद जब आप उसमें पानी मिक्स करते हो ना तो फिर वो रह मतलब ऊपर ऊपर निकलता है। तो इसमें मैंने पहले डाल दिया है प्याज और हरी मिर्ची और अदरक वाला पेस्ट हींग जीरा डालने के बाद, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी टमाटर की प्यूरी, और आप जब तक ऑयल ना छोड़ते मसाला तब तक मैं उसको ऐसे ही बनाती रहूंगी। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं यहाँ आप लोगों से बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, सच में बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, इतनी उमस है ना, बारिश हो जाती है उसके बाद और ज़्यादा उमस बढ़ जाती है। हम लोग सोचते हैं कि बारिश के बाद ना अच्छा ठंडा मौसम हो जाएगा, लेकिन उमस और बढ़ जाती है, अगर ज़्यादा बारिश होती तब तो ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ रेगुलर उसको चला रही हूँ करछी को, और मसाला भुन रहा है। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी सफल मटर जो कि हमने पानी में उबाली थी हल्की सी, तो बस उसको मैंने डाल दिया। जब आप कच्ची मटर इसमें मिक्स करते हो मटर पनीर में तो थोड़े समय पहले ही मिक्स कर दो जिससे वो अच्छी तरह उसमें भुन जाए मसाले में और मुलायम हो जाए। तो ये तो मुलायम ऑलरेडी रहती है, तो मैंने उसको काफ़ी समय मसाला भुनने के बाद में मिक्स किया है, और उसको थोड़ी देर बाद थोड़े टाइम तक मिक्स करूँगी, और उसके बाद मैं इसमें मिक्स कर दूँगी पनीर, और मैंने यहाँ पर नमक और मिक्स कर दिया, वैसे मैंने मसाले में ऐड कर दिया था, अभी और कर दिया है जिससे मटर जल्दी से भुन जाए। जब आप किसी भी चीज़ में मतलब जब भी मसाले में आप नमक डालते हो तो जल्दी से पक जाता है। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, और अनिल आए थे बीच में और चले गए, वो ऐसे आते हैं एक मिनट के लिए और गायब हो जाते हैं मतलब प्रपात में, जिससे उनको मौका मिल जाए कहने के लिए कि भाई मैं तो आया था, देखो तुम ही बिजी थी। तो आप लोग देख सकते हो मैंने मिक्स कर दिया है, और दूसरे चूल्हे पे मैंने पानी चढ़ा के रख दिया है पनीर में मिक्स करने के लिए, और यहाँ पे लग गया है मेरा आटा, और यहाँ पे पनीर मेरी बनके हो चुकी है तैयार। और हमारे यहाँ इतनी पतली पनीर ही बनती है गांव में, और मेरे मायके में भी ऐसी बनती है। तो अभी मैं बना रही हूँ रोटियाँ, और मम्मी चौक में घूम रही हैं और रोटियाँ बना रही हूँ, और अभी देख सकते हो उजाला है, ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैं दादी को बना के दे के आऊँगी, क्योंकि दादी जल्दी खाना खाती हैं फिर वो सो जाएंगी, इसलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले उनको दे दूँ। अभी और कोई तो आया नहीं, अनिल भी ऑफिस का काम कर रहे हैं, मेरे देवर भी बाहर हैं, और मम्मी को भी भूख नहीं लगी और मेरी देवरानी को भी नहीं लगी, और मुझे तो खैर खाता ही नहीं है, लक्ष्य भी लेट ही खाता है, हम लोग तो लेट ही खाते हैं इस वजह से। तो बस अभी मेरी रोटी, पहले मैं दो तीन रोटियां बना दूंगी क्योंकि दादी तो दो तीन रोटियां ही खाती हैं, तो फिर मैं उसके बाद दादी को देने जाऊंगी, उसके बाद जो बची हुई रोटियां हैं ना उनको मैं बाद में बनाऊंगी। और गर्मी से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, तो मैं दादी को रोटी लेके आ जाती हूँ क्योंकि दादी भूखी होंगी और फिर बहुत रात हो जाती है तो वो जल्दी खाती है खाना। दादी के लिए मैंने थाली कर ली है और दादी के लिए देने जा रही हूँ मैं खाना, उसके बाद आकर रोटी। तो दादी को खाना देने के बाद मैंने खाना सारा बना लिया है, सारी रोटियां मेरी बन चुकी हैं, गर्मी से हालत बहुत ख़राब है, लाइट 10 बार गई थी बीच में, और अभी मैं लक्ष्य को जा रही हूँ नहलाने के लिए, थोड़ा पसीना सुखा लूँ कूलर के सामने क्योंकि शाम का समय है, बच्चों को 2 टाइम नहलाना पड़ता है। लक्ष्य नहा के आ चुका है, देखो तैयार हो रहा है, और लक्ष्य के लिए खाना लग गया है और मेरे लिए भी लग गया है, हम लोग खाना खाएँगे अब, और सारा काम से फ्री हो गई अब एकदम से। और सब लोगों ने खा लिया खाना, सारे लोगों ने, मम्मी पापा प्रियंका सब लोगों ने खा लिया, और राजेश ने पूरे देव सब लोगों ने खाना। फ्री हो चुके हैं मुदित ने अभी पोटी करी थी तो अभी वो आ गया है और ये खा रहा है पेठा, और इसको पेठा बहुत पसंद है, क्यों मुदित है ना। अभी हम जाएंगे छत पे, है ना मुझे छत पे जाएंगे बोलो, हाँ छत पे, हाँ वो अपने आप को देख रहा है इसमें, और लक्ष्य इधर खेल रहा है गेम, आप लोग देख सकते हो
लक्ष्य खेल रहा है गया और मदद कर रहा है, बैठा खा रहा है। ए भैया तो हम सब लोगों का खाना भी हो चुका है, बर्तन भी साफ कर दिए हैं मैंने, और अभी हम जाएंगे ऊपर। और मुदित को हो सकता है बाहर पापा जी लेके जाए क्योंकि बाहर बहुत अच्छी हवा चलती है और हम बहुत थके हुए भी हैं। तो अभी हम आ गए हैं ऊपर और प्रियंका लेके आ रही है तकिया क्योंकि खाना पीना हमारा हो गया है। और मैं ऐसे दिखाई दे रही हूँ आप लोगों को क्योंकि छत पे अंधेरा है ऐसे। मैंने सोचा थोड़ा खटिया पे लेटेंगे तो मैंने कि तकिया ले चलते हैं। तो बस अब हम थोड़ा आराम करेंगे और आपको दिख रहा होगा अंधेरा, सब जगह अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा, देख सकते हो। चलो क्या करें, थोड़ा लेट के आराम करते हैं। तो ऊपर खुली हवा लेने के बाद हम एक घंटा समथिंग हो गया ऊपर से हम आ गए हैं नीचे और मुदित बहुत शैतानी कर रहा है। और तो चलो मैंने सोचा सो जाती हूँ, बहुत सर में दर्द हो रहा है, थक गई हूँ। रास्ते में ग्वालियर गई थी, फिर जोरा मम्मी के यहाँ जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद आते ही कपड़े वपड़े चेंज करके दादी के यहाँ बैठ के मैं काम पे लग गई। तो बस मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है तो बस मैं सोने जा रही हूँ। तो बस आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंडिंग करती हूँ। अगर अच्छा लगे आज का वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट जरूर करके जाना, थैंक यू सो मच। और मैं प्रॉपर किसी का रिस्पॉन्स ना कर पाऊँ तो माफ़ करना मुझे, क्योंकि मैं अभी ससुराल में हूँ तो यह नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम होती है। वीडियो तो मैं एडिट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर जब मैं उसको वो करती हूँ अपलोड तो उसके लिए मुझे कहीं और भेजना पड़ता है अनिल को। तो चलिए गाइस, बाय बाय।